और भी हैं। फिलहाल एक बस्तर की बात कर लेते हैं हम इस सेगमेंट में। बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ के खूबसूरत जलप्रपात और गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। आज आपको हम ब्रेक पर जाने से पहले ऐसी ही गुफा का दीदार कराएंगे और सैकड़ों साल पुरानी ये गुफा आप जब देखेंगे तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस गुफा की क्या खासियत है इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत ने बस्तर को बेहद खूबसूरत बनाया है और इस खूबसूरती में चार चांद लगाती है यहाँ की रहस्यमयी गुफाएं। ऐसी ही एक गुफा है मांदरकोंटा। जगदलपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर नेगानार इलाके में बड़े चट्टानों के बीच मौजूद ये गुफा सैकड़ों साल पुरानी है। हालांकि गुफा का मुख्य द्वार काफी संकरा होने की वजह से ग्रामीण भीतर जाने से हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों ने अंदर जाना शुरू कर दिया है। इसके अंदर जो विशेष है, उसकी जो पत्थर का जो पानी जो झरना के रूप में निकलता है वो इतना चमकीला होता है और अंत में वो पत्थर बन जाता है और वो हमेशा चमकता रहता है। और ये जब पॉपुलर हुआ, उजागर हुआ, पहले तो गांव वाले मोर के चलते वहाँ पे घुसे, है ना, गांव का एक व्यक्ति घुसा लखमारा मंडावी और उन्होंने अंदर में देखा। सब देखने के बाद बताया कि वहाँ पे ऐसा ऐसा चीज़ है। ऐसा बोलने से गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने भी वहाँ पे प्रवेश किए, देखे। बहुत ज़्यादा पर्यटक भी आ रहे हैं और यहाँ के कुछ बेरोजगार लड़के थे, उन लोगों को एक रोजगार का एक सुविधा भी उपलब्ध। जानकारों की माने तो गुफा में चूना पत्थर होने के कारण पानी के रिसाव से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया होने के कारण गुफा में स्लेटमाइट और स्लेटराइट के स्तंभ बन गए हैं। स्लेटराइट के स्तंभ में रोशनी पड़ने की वजह से गुफा और भी चमकदार आकर्षक लगती है। पर्यटकों की माने तो अद्भुत गुफा के अंदर प्रकृति की बनाई सुंदर संरचना और कलाकृति आकर्षित करती है। 2020 में रजत बंसल सर यहाँ पे आए थे, तब से यहाँ पे अभी यहाँ जो पर्यटक आ रहे हैं, 400-500 पर्यटक पहुँचते हैं एक महीने में, घूम के जाते हैं और बहुत सुंदर है आपका गुफा और मेहनत है जो घुटने के बल पे जाना है और खड़े होके जाना। बहुत ही सुंदर गुफा है यहाँ पे। अंदर हम लोग गए थे, जैसे मैं अंदर घुसा वहाँ पे देखा झूमर के टाइप के था, जहाँ जैसे हम लोग देखते हैं राजा महाराजा का महल रहता है उसी तरह से वहाँ पे झूमर लगा हुआ था और काफ़ी सुंदर नज़ारा था कि जैसे मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ उसी प्रकार सब कोई आए और यहाँ पे देखे। बहुत ही सुंदर गुफा है। बताया जाता है कि इस गुफा की खोज मांदरकोंटा गांव के ही लखमा सोढ़ी नामक एक ग्रामीण ने 1948 में की थी, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते नैसर्गिक गुफा ज्यादा प्रचलित नहीं हो सकी। ये बस्तर की प्रसिद्ध कैलाश गुफा, दंडक गुफा और कुटुंबसर गुफा की तरह खूबसूरत, विशाल और काफी गहरी है। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।